वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल है नए हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो सिंपल सी बात है कि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक जो एक वर्ड है जिसको बोल रहे हैं हम डाइजेस्टिव, ठीक है। तो कई सारे बार हमने डाइजेस्टिव वर्ड यूज किया है, बोला हुआ है और सुना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसका मीनिंग होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड है। इसको यदि हम पर्टिकुलर एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई सारे यहाँ पर सिस्टम्स आते हैं, ओके, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करने वाले, कई सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब होता है मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है। ये पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करने के लिए है ना एक लंबा टाइम लगता है, और इस लंबे टाइम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम किसी एक जगह नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ये ट्रैक्ट है ना। इसलिए इसको कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दोनों ही पार्ट कहते हैं, या तो GIT कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है ना, ऊपर से लेके नीचे तक एक तरह का ये ट्यूब ही है, राइट। तो हम कहेंगे कि इट इज अ मस्कुलर ट्यूब जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओपन फ्रॉम द माउथ, और माउथ से कहाँ तक जा रहा है, ये एनस तक जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा माउथ, और माउथ से लेके हो गया एनस तक की। तो स्टार्टिंग है ना माउथ से करेंगे, लास्ट एनस पे करेंगे, पासिस। अब इसके बीच में है ना जितना भी स्पेसेस है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम कहाँ कहाँ से होकर गुजरने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये सिस्टम कहाँ कहाँ होकर जाएगा। तो माउथ के बाद में ये जाता है कहाँ पे, फेरिंग्स के लेवल पे, इसके बाद जाता है इसोफेगस के लेवल पे, देन स्टमक के लेवल पे, और स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन जाता है। इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसकी कुछ एसेंशियल या इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर में और भी कई सारे पार्ट आने वाले हैं, और कई सारे पार्ट ऐसे होंगे जो कि एसेसरी है, मतलब वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसका पार्ट नहीं है बट हेल्प कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर यहाँ माउथ है, माउथ के पीछे यदि हम बात करें तो यहाँ फेरिंग्स है, राइट, यहाँ पे ये टंग है। तो गैस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, किस साइड में प्रेजेंट है, अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको उसका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि पर्टिकुलर हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं और किस साइड वो लोकेटेड है, राइट। तो ओरल कैविटी या माउथ की यदि हम बात करें तो उसके अंदर ही यहाँ सलाइवरी ग्लैंड जो कि इसका एसेसरी पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तीन टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबमैंडिबल एंड सबलिंगुअल। नीचे आते हैं तो ये इसोफेगस फूड पाइप जिसको हम कहते हैं है ना, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ओपन होता है ये कहाँ पर, स्टमक के अंदर, राइट। स्टमक का जो शेप है वो कैसा है, जे शेप का है ना। स्टमक के भी अगेन जो है वो कुछ पार्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद में ये ओपन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ ओपन होती है सीकम के लेवल पे, और ये फूड मटेरियल यहाँ से घूमता हुआ ये कहाँ चला जाता है, लास्ट में रेक्टम और फिर एनस में चला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, और इसमें ही कुछ एसेसरी ऑर्गन भी है, जैसे कि हो गया लिवर, यहाँ पर हो गया पैंक्रियास, ठीक है, इसके अलावा हो गया यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो हमारे पास में जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनॉल केनॉल, ठीक है। इतने पार्ट से मिलके हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना होता है। पहले हम बात करते हैं माउथ की, हम ज्यादा डिटेल्स में यहाँ नहीं जा रहे हैं बिकॉज एक एक चैप्टर ही अपने आप में मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ जितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं माउथ से। माउथ जो होता है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, ओके।
आपने सुना होगा कोई मेडिसिन यदि ले रहे हो माउथ से ले रहे हो या उस पर लिखा जाता है बाय द ओरल रूट, है ना। ओरल का मतलब ही होता है कि हम माउथ से इसको ले रहे हैं या टेकन कर रहे हैं। तो ओरल कैविटी जो होती है इट इज बाउंडेड बाय द मसल्स एंड द बोन्स। इसमें मसल्स भी है और क्या है, बोन भी है। बात करेंगे एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब सामने की तरफ क्या होते हैं, लिप्स होते हैं। इसको आप इमेजिन भी करते जाइए साथ में, सामने की तरफ यहाँ लिप्स है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे क्या है, ओरोफेरिंक्स होता है। हमने बात की थी अभी फेरिंग्स की, तो ये ओरोफेरिंक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लैटरली की बात करें तो चीक्स हमारे पास में गाल है ना, तो उसमें मसल्स होती हैं। सुपीरियरली यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बोनी हार्ट प्लेट होता है, हार्ट पैलेट, एंड उसके बाद होता है मस्कुलर सॉफ्ट पैलेट। मतलब सुपीरियर पार्ट में दो तरह के पैलेट हो गए, हार्ड भी हो गया और सॉफ्ट भी हो गया। नीचे की तरफ यदि हम बात करें तो यह मस्कुलर टंग होती है। इसके अलावा कुछ माउथ के फ्लोर पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, है ना। इतना सब कुछ यदि हम देखें या फील करें तो हम कर सकते हैं। इट इज लाइंड थ्रू आउट द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक लाइनिंग होती है, दूसरा कवरिंग होती है। यहाँ लिखा हुआ लाइंड, लाइन का मतलब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ, है ना, अंदर साइड में इसके ऊपर किस चीज का लाइन होता है या किस चीज से ढकी हुई होती है। तो ये थ्रू आउट जो है किससे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर, है ना, जिसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। और किससे बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, है ना। जो टिश्यू है वो कौन सा है आपका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है जिसके अंदर कई सारी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब होता है कि इसमें कई सारी लेयर है, कई सारी स्ट्रेटम है। यहाँ स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि इसमें मल्टी लेयर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह की कई सारी लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टी लेयर्ड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, राइट। इसके बीच में कहीं कहीं क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू सीक्रीशन होता रहता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जो ऊपर का हार्ट पैलेट होता है ना, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इंटीरियर हार्ट पैलेट कहलाता है। और मतलब इसके दो पार्ट हो गए, ऊपर की तरफ यहाँ पे हार्ट पैलेट है जबकि पीछे की तरफ यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखो तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या होता है, ये माउथ का पार्ट बता रहा हूँ मैं, है ना। ऊपर की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर हैंगिंग डाउन एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूवला, ठीक है, दिस कॉल्ड द यूवला। तो ये मस्कुलर पार्ट होता है जो नीचे की तरफ फ्रीली यहाँ पर हैंग कंडीशन में होता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ क्या होती है, टंग प्रेजेंट होती है, दिस इज टंग। तो टंग जो होता है ये वॉलेंट्री है ना। इन दो तरह की चीजें होती है, एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। तो टंग हमारी कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, दैट इज कॉल्ड द वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जिस पे आपका कंट्रोल ना हो, दैट इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे हमारी टंग प्रेजेंट होती है। पीछे की तरफ यहाँ यदि बात करें तो यहाँ पे एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हम हायड बोन, हायड बोन से अटैच होती है। और सामने की तरफ यहाँ नीचे साइड में देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक फ्रेन्यूलम प्रेजेंट होता है ना। जनरली यदि आप टंग को ऊपर करके आईने में देखते हो तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेन्यूलम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। कई बार बच्चों में ये जो फ्रेन्यूला होता है ये यहाँ फिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो टंग मूव नहीं कर पाते, तो बच्चा यहाँ पे फोनेशन या बोल नहीं पाएगा, है ना। तो सर्जिकली इसको यहाँ से कट करना होता है, ठीक है। चलिए, इसी टंग के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। यहाँ भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पेपिली प्रेजेंट होते हैं, है ना। मतलब ये टंग है, टंग के ऊपर नंबर ऑफ पेपिली इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं पेपिली को हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं, जिसके थ्रू हमें टेस्ट आता है, ये टेस्ट सेंसेशन आता है। ओके, नाउ द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मैस्टिकेशन। टंग के रोल क्या क्या है, पहला है मैस्टिकेशन चीविंग करने के लिए, डिग्लुटिनेशन स्वॉलोइंग करने के लिए, स्पीच के लिए और टेस्ट के लिए। इतने काम यहाँ पे क्या करती है, टंग करती है, राइट। फिर हम बात करेंगे टीथ की। टीथ जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज यही जो मैस्टिकेशन का काम है वो कौन करेगा, टीथ करेगा।
तो टीथ जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक सॉकेट में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये सॉकेट कहाँ होता है, मैंडिबल एंड मैक्सिला वाले रीजन में, मतलब नीचे का एंड ऊपर का जो जॉ होता है ना, जिसको मैंडिबल मैक्सिला कहते हैं, इसके अंदर ही बोनी सॉकेट में ये हमारे जो टीथ होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल हैज टू सेट टेम्पररी और द डेसीडियस टीथ एंड द परमानेंट टीथ। कुछ टेम्परेरी टीथ होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दूध के दांत, और बाद में वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शुरू में जब बर्थ होता है ना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर टेम्परेरी टीथ आना स्टार्ट होते हैं, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम या आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ये टूट जाते हैं, और बाद में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं ये परमानेंट टीथ के अंदर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे 20 टेम्पररी टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉज, है ना, हर जॉज के अंदर 10 टीथ होते हैं चाइल्ड लेवल पे, और यहाँ पे 20 टेम्पररी टीथ प्रेजेंट होते हैं। बाद में ये रिप्लेस हो जाते हैं आफ्टर 6 ईयर अप टू द 24 ईयर, यहाँ पे 32 टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टीथ जो होते हैं ये कैनाइन हो सकते हैं, है ना, टीथ जो है वो इंसीजर, कैनाइन, प्री मूलर एंड मूलर होते हैं, ठीक है। इंसीजर का काम होता है इंसाइज करने का, काटने का, कैनाइन का होता है उसको टियर करने का, प्री मूलर और जो मूलर होते हैं ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर दोनों ही थोड़े फ्लैट सरफेस वाले होते हैं, और इसकी वजह से ये इजीली ग्राइंडिंग एंड चीविंग का काम करते हैं फूड को। तो हमारे पास में यह इंसीजर, कैनाइन, प्री मूलर एंड मूलर टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फारिंग्स की। फारिंग्स जो होता है मतलब माउथ से जब फूड मटेरियल पास ऑन होता है तो नेक्स्ट वो जाता है कहाँ पे, फारिंग्स के लेवल पर, ईसोफेगस से ऊपर की तरफ और माउथ के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है आपका फारिंग्स, ठीक है। अब फारिंग्स को देखा जाए तो फारिंग्स जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, नेजोफारिंग्स, ओरोफारिंग्स और लैरिंगोफारिंग्स, ठीक है। यदि हम बात करें कि ये माउथ वाला पार्ट है, ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ से ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, दिस वन, ओके, तो यहाँ पर ये आप देखोगे कि नॉस्टिल वाला पार्ट है ऊपर की, ये भी यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, ये पार्ट है माउथ वाला, ये भी आके यहाँ ओपन हो रहा है ना, तो ये कॉमन जगह पे ओपन हो रहा है, तो ये पार्ट यहाँ कहलाता है नेजोफेरिंग्स, ये पार्ट ओरल कैविटी के बाद में, इसलिए इसको कहा जाता है ओरोफेरिंग्स। और नीचे की तरफ यदि आप जाओगे तो यहाँ से जहाँ से ट्रीकिया स्टार्ट हो रहा है ना, इसको हम यहाँ पे कहेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, दिस कॉल्ड द लैरिंगोफेरिंग्स, या इसको हम लैरिंग्स जो होता है हमारा साउंड बॉक्स कहलाता है, तो नीचे वाला पार्ट लैरिंगोफेरिंग्स का होगा, राइट। नाउ ये एक कॉमन पैसेज होता है ना, यहाँ से फूड भी आएगा और यहाँ से एयर भी आएगी, इसलिए ये रेस्पायरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉमन पार्ट होता है। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि जो फेरिंग्स होता है तो फेरिंग्स के क्या रोल होते हैं या ये क्या काम करता है, ठीक है। फेरिंग्स का जो पार्ट होता है ना, ये स्वॉलिंग में हेल्प करता है, निगलने में हेल्प करता है, साथ में फूड के मूवमेंट को हेल्प करता है, मतलब माउथ से जो फूड है वो कहाँ पे आने वाला है, ईसोफेगस में आने वाला है, इसको ये यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है तो फेरिंग्स का जो आउटर लेयर है ये पैरास्टेल्सिस मूवमेंट में हेल्प करता है। पैरास्टेल्सिस मूवमेंट का मतलब है जो फूड मटेरियल माउथ से आया हुआ है उसको ईसोफेगस में जाने के लिए पैरास्टेल्सिस मूवमेंट या उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ताकि जो फूड मटेरियल है वो नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इनर मसल्स होती हैं जो कि फूड को स्वॉलो करने में और उसको इंजेस्ट करने में हेल्प करता है, ऑलराइट। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ईसोफेगस की। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, है ना, फूड पाइप इस तरह का होता है, राइट। फूड पाइप जो है ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, यहाँ से देखा जाए तो ये कितना होता है, ये 25 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट होता है या लेंथ होता है दैट इज ऑफ द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहाँ कहाँ से जाता है ये मीडियन प्लान से होके जाता है ना, इन द थोरेक्स, थोरेक्स मतलब थोरेसिक कैविटी वाले पार्ट की हम बात करें, तो ये वर्टिबल कॉलम जो है
सो ये यहाँ पर वर्टिकल कॉलम के जस्ट सामने से जा रहा होता है और ट्रेकिया के पीछे से जा रहा होता है ना, ट्रेकिया और हार्ट के पीछे से जा रहा होता है, मतलब इसके सामने यहाँ ट्रेकिया लगा हुआ है और यहाँ पर हार्ट लगा हुआ है। और इसके पीछे की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल मतलब वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, राइट। इन दोनों के बीच से यहाँ जा रहा होता है ये फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पर स्टमक से जाके अटैच होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये यहाँ पर स्टमक से अटैच होता है, पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेपरेट होता है वाया और डायफ्राम। एक मैम्ब्रेन होती है जो कि ईसोफेगस और स्टमक को डिफरेंशिएट करती है, दैट इज कॉल्ड द डायफ्राम, राइट। नाउ ईसोफेगस जो होता है, इसका अपर वाला पार्ट जो होता है, मतलब माउथ से यदि हम बात करें यहाँ तक की, तो ये पार्ट कुछ वॉलेंट्री होता है, बाकी का पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। एक बार फूड मटेरियल यहाँ चला गया, देन आप यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करके उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, अब नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सीरीज ऑफ पेरिस्टेसिस मूवमेंट जो है यहाँ पर इसको फूड को नीचे की तरफ भेज देती है, राइट। नाउ कार्डियक आर द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट द रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। यदि आप यहाँ पर देखोगे है ना, जहाँ से स्टमक से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरह का स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक तरह का गेट लगा हुआ है। तो ये गेट क्या करता है, जो एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब यहाँ पर जो एसिड है ये वापस ईसोफेगस के अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पर एक गेट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो ये एसिड रिफ्लक्स को बचाता है ना, ईसोफेगस में गैस्ट्रिक कंटेंट को आने से बचाता है। कई बार होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, और कई बार हमें यहाँ पर क्या होता है, जलन महसूस होती है, चेस्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न जिसको हम कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है, तब कि एसिड रिफ्लक्स हुआ है, तो ये किस वजह से होता है कि यहाँ पर एसिड रिफ्लक्स हुआ है, राइट। ईसोफेगस की फंक्शन के लिए हम बात करें तो बाय द पेरिस्टेसिस मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ये फूड मटेरियल को माउथ सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। और ईसोफेगस एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन टू द डाइजेस्ट सिस्टम थ्रू द थोरासिक कैविटी विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, है ना। एक तरह का कनेक्शन बनाता है जो कि हार्ट लंग को प्रोटेक्ट भी करता है, राइट। नेक्स्ट हमें बात करने वाले हैं स्टमक के बारे में। स्टमक जो होता है, जैसे हमने पहले ही बात करी कि इसका जो शेप होता है वो होता है जी शेप्ड होता है। इट इज डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जो स्टमक होता है ये क्या होता है, डायलेटेड पोर्शन होता है, मतलब इसका ये फूला हुआ पार्ट है ना, डायलेटेड कंडीशन में। जबकि यहाँ ईसोफेगस क्या है आपका, ये ज्यादा डायलेटेड नहीं होता है, ये पाइप की तरह होता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर एक तरह का स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और जस्ट इसके ही पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ स्टमक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये कार्डिक स्फिंक्टर है ना, जो कि ड्यूडिनम मतलब यहाँ लास्ट की तरफ, ओके। तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट है और सबसे लास्ट में यहाँ क्या प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो पार्ट यहाँ प्रेजेंट हो गए, कार्डियक पार्ट और दूसरा हो गया हमारा पाइलोरिक पार्ट। तो दो पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हमारे। अब बात करते हैं हार्ट स्टमक के बारे में। तो स्टमक में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसको डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं तो ईजी रहेगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक बड़ा सा कर्वेचर है ना, इसको कहा जाता है ग्रेटर कर्वेचर, है ना, इट इज अ ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर ये छोटा कर्वेचर है, इसलिए इसको कहा जाता है लेजर कर्वेचर। तो स्टमक में बाहर की तरफ पोस्टीरियर साइड होता है ग्रेटर कर्वेचर, अंदर की साइड होता है यहाँ पर लेजर कर्वेचर। कार्डिक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बिटवीन द पाइलोरस एंड द ड्यूडिनम, राइट। तो दो पार्ट यहाँ पर हो गए। इसके अंदर की एनाटॉमी की बात करें तो स्टमक के अंदर इस तरह से रिजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के यहाँ पे कई सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं इन साइड द स्टमक। जब स्टमक में यहाँ पर एम्प्टी होता है तो रिजेस ज्यादा होते हैं, जब ये फुल्ली फिल्ड होता है तो रिजेस यहाँ पर ही कम हो जाते हैं। इन्हीं के बीच में यहाँ कुछ सेल्स होती हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सीक्रीशन करती है। HCl के सीक्रीशन के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे सीक्रीशन होते हैं, जो कि लाइक कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना, या गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर काफी सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, राइट।
तो जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्टमक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की बात करेंगे हार्ट के पास से कार्डिक पार्ट। ये जो पार्ट है ये फंडस पार्ट है, दिस वन पार्ट इज द बॉडी पार्ट, और ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका पाइलोरिक पार्ट होता है। तो जो बॉडी पार्ट होता है ये काफ़ी यहाँ पर बड़ा होता है, क्योंकि खाना जो है जो भी फूड मटेरियल है यहीं पे आके ज़्यादा टाइम तक स्टेबल कंडीशन में रहता है। राइट नाउ यदि हम गैस्ट्रिक जूस की यदि हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस करीब 2 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस जूस जो है वो पर डे के आसपास यहाँ से सीक्रेट होता है। और स्टमक के साइज के बारे में बात करें तो ये कितना कैपेसिटी होता है इसका, 1.5 लीटर या ऐसे कुछ ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो भी मसल्स होती हैं स्टमक के अंदर ये हेल्प करती है इसको चर्निंग करने के लिए, है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने कहा कि ईसोफेगस से लेके पूरा ही एलिमेंट्रिक कैनाल के अंदर क्या होता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पर चलता रहता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो इसी के अंदर चर्न आउट होता रहता है, मतलब टूटता रहता है। साथ में एसिड जो होता है इसको क्या करता है यहाँ पर मिक्स करता है, जिसकी वजह से कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर आता है तो वो किल हो जाता है, एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब माइक्रोब्स को भी किल करता है। इस तरह से चर्निंग के बाद में जो भी फूड मटेरियल होता है ये आगे बोलस जो होता है, मतलब बोलस कहाँ से आएगा, ये जो स्टमक वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से जब आप माउथ से कोई भी चीज़ खाते हो तो बॉल के फॉर्म में वो क्या होता है नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं बोलस। यहाँ से जब HCl इसके साथ में ऐड हो जाता है और जब ये नीचे की तरफ पाइलोरिक पार्ट से नीचे की तरफ जाता है ड्यूडेनम की तरफ जाता है तो उसको कहा जाता है काइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द काइम। तो अब यहाँ से बोलस जो आया था वो प्रॉपरली चर्न आउट हो गया है और वो काइम के फॉर्म में अब कहाँ जाने के लिए तैयार है, इन साइड द ड्यूडेनम। ठीक है नाउ यहाँ पे हमने जैसे गैस्ट्रिक जूस आपको बता दिया था कि 2 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सीक्रेटेड होता है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होता है, म्यूकस होता है, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो है पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के डायग्राम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर कार्डिक पार्ट होता है, ये फंडस पार्ट है, ये पूरा बॉडी पार्ट है, इसके अंदर बाहर ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेजर कर्वेचर है, ये इसका पाइलोरस पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पार्ट जो है देखिए यहाँ थोड़ा सा ये फूला हुआ पार्ट है, इस फूले हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, तो पाइलोरिक एंट्रम होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह का स्फिंक्टर या गेट प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ नॉमक्लेचर है और डायग्राम है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक में सबसे पहला फंक्शन होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ फूड मटेरियल जो होता है स्टोर होता है, राइट, जिसके ऊपर कई सारे एंजाइम लाइक पेप्सिन ये सब वर्क करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ होता है। डाइजेशन में भी यदि हम बात करें केमिकल डाइजेशन की तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया, पेप्सिन एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करता है इन द अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल का मतलब होता है कि स्टमक के अंदर जो मसल्स हैं वो पूरे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला के उसको चर्न आउट करने में हेल्प करता है कंटेंट को और उसको काइम भी कन्वर्ट करता है। राइट, इसके बाद यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर का होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एल्कोहल का होता है, राइट, तो ये सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है बट यहाँ पर लिमिटेड ही होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है, डिफेंस करने का, बिकॉज HCl प्रेजेंट है। आयरन जो होता है तो आयरन के लिए क्या करता है उसको सॉल्युबलाइज बनाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है तो उसको ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसके बाद में जो भी कंटेंट है वो कहाँ चला जाता है, ड्यूओडेनम के लेवल पे ही चला जाता है। ठीक है, विद द या थ्रू द पाइलोरिक एंट्रम, और पाइलोरिक एंट्रम के बाद में क्या था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर लास्ट पार्ट है जिसके बाद में ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे फंक्शन थे स्टमक के बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं हम इंटेस्टाइन के बारे में, जिसमें पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है।
ठीक है, एंड लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द ईओसीकल वॉल। कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां इस सीकम के लेवल मिलता है, उसको कहा जाता है इल्यूसिकल वॉल। यहां तक ये जाएगा, करीब 5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। 5 मीटर के आसपास जो है करीब इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, राइट। सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, राइट। इसके भी कुछ पार्ट है। पहला पार्ट है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो होती है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और कैसी होती है? ये सी शेप की होती है, राइट। इट इज अ सी शेप। इसके बाद जो ड्यूडिनम होता है, तो ड्यूडिनम का स्ट्रक्चर कुछ सी शेप का इस तरह से होता है। इसको थोड़ा सा और यदि हम समझे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। ये यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये पूरा पैंक्रियास प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है? लिवर से या गॉल ब्लैडर से, है ना, लिवर से एंड गॉल ब्लैडर दोनों से ही कॉमन डक्ट के थ्रू ये यहाँ पर कुछ सीक्रीशंस आ रहे हैं, कुछ बाइल सॉल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखोगे आप कि ये एक ड्यूडनम के लेवल पे जाके मिलते हैं, है ना। यहाँ से जो मटेरियल आया वो भी यहाँ जाएगा, और पेंक्रियास से जो मटेरियल आया वो भी कहाँ जाएगा? इस ड्यूडिनम के लेवल पर जाएगा। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है आपका? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। ड्यूडिनम में ओपन होने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसके बाद बात करेंगे हम जेजुनम की। पहला पार्ट हो गया हमारा ड्यूडिनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम जो होता है ये मिडिल पार्ट है, और इसकी जो लेंथ होती है वो करीब होती है 2 मीटर। तीसरा पार्ट होता है इलियम। इलियम जो होता है ये टर्मिनल सेक्शन होता है, और करीब 3 मीटर के आसपास जो होती है इसकी लेंथ होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से इलियोसीकल वॉल के थ्रू यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है, राइट। तो इलियोसीकल वॉल के थ्रू ये कहाँ ओपन होती है? सीकम के लेवल पे, है ना। जो भी यहाँ मटेरियल होता है सीकम के लेवल पर आता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो इंटर हो जाता है, राइट। द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोस हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाई परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स, वेलाई एंड माइक्रोवेलाई। तीन चीजें यहाँ पर है कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है इसके अंदर क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। फोल्ड्स के बाद में इसके ऊपर ऐसे कई सारे फोल्ड जो है वो मिलके बनाते हैं वेलाई। इस वेलाई के ऊपर भी कई सारी इस तरह से माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होती है, और ये माइक्रोवेलाई जो है वो क्या करती है? फूड को ट्रैप करती है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाती है ताकि जो भी फूड मटेरियल है वो यहाँ से इंटर हो पाए। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो वेलाई को आप कह सकते हो कि इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसल लेयर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, अबाउट 0.5 to 1 mm लॉन्ग, है ना। म्यूकस जो मेम्ब्रेन इसका बना हुआ फोल्ड है, और कितना होता है ये? 0.5 to 1 mm लॉन्ग होता है, राइट। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखिए कि इसमें कई सारे जूसेस जो है वो इंटर हो रहे थे। पैंक्रियास से हो रहा था, लिवर से हो रहा था, इंटेस्टाइन के खुद का जो सिक्रीशन है वो भी वहाँ प्रेजेंट होता है। तो करीब 90% फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहीं कहाँ होता है? इसी इंटेस्टाइन की बेस पे होता है, या इंटेस्टाइन के अंदर होता है। 10% जो है वो स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता एक्सेप्ट इन द वाटर ओनली, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे डिनोट हो रहा है। सबसे ऊपर यहाँ ड्यूडेनम है, देन जेजुनम है, देन इलियम है। यहाँ इलियोसिकल वॉल है जिसके थ्रू ये सीकम से अटैच होता है। ये असेंडिंग कोलॉन है, ये हॉरिजॉन्टल कोलॉन है, और ये डिसेंडिंग कोलॉन है। यहाँ पे रेक्टम और फिर बाद में एनस आ जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की अब। तो लार्ज इंटेस्टाइन करीब 1.5 मीटर या 1.5 मीटर जो होती है ये लॉन्ग होती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सीकम से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पर? राइट इलियक फोसा, है ना। राइट साइड का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियक फोसा कहा जाता है। राइट इलियक फोसा स्टार्ट हो रही है, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है? रेक्टम में हो रही है, ठीक है। इन द पेल्विस रेक्टम में प्रेजेंट, रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है उसका, रेक्टम एंड एनस। ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ओके। और चारों तरफ
कॉइल्ड टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कोलॉन जो है इसको हम डिवाइड करते हैं सीकम में, असेंडिंग कोलॉन में, ट्रांसवर्स कोलॉन में, या हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी कई सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में जैसे देख पा रहे हो, ये असेंडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड कोलॉन है, ये रेक्टम है और ये एनस है। ओके, सीकम, सीकम कहाँ है? ये वाला पार्ट जो होता है वो सीकम कहलाता है, राइट। तो यहाँ इलियोसिकल वॉल के थ्रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये अपना जो सीक्रीशन है वो कहाँ दे रही होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में दे रही होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाजू में ही यहाँ पर एक बिल्कुल वर्मी वॉर्म टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना। कभी कभी इसके अंदर ही इसका माउथ ओपन होने की वजह से फूड मटेरियल यहाँ आ जाता है जिसकी स्वेलिंग हो जाती है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड द अपेंडिसाइटिस। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन ओब्वियसली नीचे से ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलॉन। ये हम कह सकते हैं कि ये इलियोसिकल वॉल से ऊपर की तरफ टूवर्ड द लीवर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोलॉन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कोलॉन जो है ये ड्यूडेनम से लेके कहाँ जाता है? स्प्लीन की तरफ जाता है ये, है ना। इसलिए इसको वहाँ एक फिक्सर होता है जिसको फ्लैक्सर होता है, जिसको बोलता है स्प्लेनिक फ्लैक्सर कहा जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग, अब यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लैक्सर से कहाँ पे आ रहा है? ये नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। मतलब टू द पेल्विस रीजन में आ रहा है, या इसी को हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन के पास ही आके इसका एंडिंग होता है डिसेंडिंग कोलोन का। देन आता है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन जो है नाम से क्लियर है, एस मतलब सिग्मोइड, ये एस शेप की होती है, एस कर्व की होती है, ठीक है। और कहाँ ओपन हो रही होती है? रेक्टम के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है ये क्या है? स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन ऑफ द कोलॉन अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। रेक्टम जो होता है ये क्या है? डायलेटेड होता है और 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सिग्मोइड कोलॉन से स्टार्ट होता है। कहाँ खत्म होता है? एनल कैनाल पे खत्म होता है ना, जिसको हम कहते हैं रेक्टम। द कैनाल इज अ शॉर्ट पैसेज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट एंड लीड फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटीरियर, ठीक है। 3.8 सेंटीमीटर का लेंथ है जो कि रेक्टम से एक्सटीरियर तक होता है, राइट। सो गाइज, ये रेक्टम एंड एनाल कैनाल तक इसका एलिमेंट्री जो कैनाल है इसका स्ट्रक्चर है, इसके डिस्क्रिप्शंस है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।